मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफर शाहिद मियां के साथ, बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है, हम हमेशा आपके साथ ऐसे स्टार्स को मिलवाते हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी होती है। अपने शोबे में ना सिर्फ बल्कि उसकी अपने शोबे के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत उनकी होती है। इसमें से आज एक इम्पोर्टेंट शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह आज 106 एपिसोड होने जा रही है, और मेरी खुशकिस्मत यह है कि आज मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिराज साहब मौजूद है। ठीक है, और ये सर्जरी प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा अपने शोबे में खिदमात हैं, और ये लेपोस्कोपिक और ऑब्स्टेट्रिक के ऑपरेट करते हैं। मजीद क्या करते हैं डॉक्टर साहब, की क्वालिफिकेशंस क्या है, डॉक्टर साहब ने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया, कौन कौन से ख्वाब देखे, जिनकी तबीर उनको मिली है या नहीं मिली, वो हम जानेंगे आज के इस ख्वाबों से तबीर तक के इस सफर में प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिराज साहब से। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि वो आज मेरे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम, शुक्रिया, वेलकम टू माय शो। डॉक्टर साहब मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, आई नो कि आप बहुत बिजी होते हैं और आपने इस क्वेश्चन में मुझे टाइम दिया है। डॉक्टर साहब मेरा चूंकि है फॉर्मेट ख्वाबों से तबीर, आप प्रोफेसर डॉक्टर सॉरी राशिद सिराज सर, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, थोड़ा सा मैं पहले उसकी तरफ आऊंगा कि ये सफर कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा, फिर हम करंट जो पोजीशन उसके ऊपर आएंगे। अच्छा शायद भाई, मैं बेसिकली क्रिसन मॉडल स्कूल से मैंने ओ लेवल्स किया, क्रिसन फॉर शादमान, क्रिसन मॉडल स्कूल शादमान से 1995 में, ये उनका दूसरा सेशन था, तो हम जो वो ट्रायल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स थे उसमें थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैंने एफएससी की, एंड आई हैव द प्रिविलेज कि मैंने एक साल के अंदर एफएससी की, और फिर मैंने राम इकबाल मेडिकल कॉलेज से अपना बीबीएस कंप्लीट किया। डॉक्टर जो था वो बेसिकली मेरे वालदैन का था ज़्यादा, और चूँकि मेरी बड़ी बहन भी डॉक्टर थी, तो मैं डे वन से ये था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ। और जहाँ तक आपकी ये बात है कि ये ख्वाबों से तबीर तक का सफ़र, तो मेरा भी ये ख्वाब रहा कि मैं अपने वालदैन को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत वालदैन फील करवाऊँ। अच्छा, उस ख्वाब की तबीर के लिए फिर ये मैंने प्रोफेशन ऑप्ट किया। मेरे फादर की ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज में अल्लाह ने मौका दिया एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पढ़ने का। उसके बाद फिर मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर ज्वाइन किया। सर्विसेज में मुझे बहुत शानदार और हुनरमंद किस्म के साथ मिले, और जिन्होंने जो मैं आज बना हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर वालदैन की दुआओं के बाद अगर बहुत ज़्यादा कोई रोल है तो मेरे टीचर्स का है, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के, जिसे कहते हैं कि सर्जरी का प्रोफेशन शायद भाई ऐसा है कि जिसमें आपके टीचर्स का बड़ा रोल होता है, और मेंटोरशिप जो एक है जिसे हम समझते हैं वो आपके उस असातिज़ा होते हैं। और मैं इस जगह पर ज़रूर मेंशन करूंगा उनका नाम, जिसमें डॉक्टर सईद कुरैशी हैं, और आप देखेंगे कि मेरे कमरे में जहां मेरे वालदैन की तस्वीर है तो वहां उनकी भी साथ ही तस्वीर, बहुत बड़ी बिग नेम है जी, बहुत बहुत जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने फिर बिल्कुल आप समझ लें कि जिस तरह हाथ पकड़ के मुझे चलाना शुरू किया। वहां फिर मैं कुछ 2010 तक सर्विसेज हॉस्पिटल में रहा। वहां मैंने अपनी जो FCPS हमारी एक सर्जरी की डिग्री होती है वो कंप्लीट की। मीनवाइल मैं एडिनबरा चला गया, एडिनबरा से मैंने फिर अपना मास्टर्स किया, वापस आके फिर मैं आयरलैंड चला गया, वहाँ से मैंने अपनी दूसरी फेलोशिप की, अल्लाह ताला ने मौका दिया, और फिर 2010 के अंदर मेरी पाकिस्तान की फेलोशिप कंप्लीट हुई। फिर मैं अपॉइंटमेंट मेरी होगी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सर्विसेज हॉस्पिटल,
फिर गवर्नमेंट जॉब से थोड़े से मामला ऐसे हो गए कि उन दिनों में वाईडीए के मामला शुरू हो गए थे, तो फिर मेरे फादर ने मेरे सजेस्ट किया कि तुम बजाय कि ये सियासत में और इसमें पढ़ने के तुम अपने प्रोफेशनल करियर पर तवज्जो दो। फिर मैंने अपने उस्ताद से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी कि आप अपना करियर ज़्यादा परसू करें बजाय कि ये वाईडीए की पॉलिटिक्स, और ये स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब क्विट कर दी और मैंने फारूक हॉस्पिटल को एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, और तब से लेके 2011 से लेके आज तक मैं इन्हीं के साथ एसोसिएटेड हूँ। और अल्लाह ताला ने इधर भी बड़ी कामयाबियाँ अता की, वो अल्लाह ताला की खास कर नवाजी है मतलब के। और मैं फिर अपना सफ़र शुरू करते हुए यहाँ एज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी मैंने फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर मैं डीन ऑफ सर्जरी रहा इस अदारे के लिए, जितना भी मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता था। मैंने इधर नर्सिंग कॉलेज डेवेलप किया, इधर पैरामेडिक्स का कॉलेज डेवेलप किया, और एकेडमिक्स में और इनके स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ वो मैंने की। मेरे चूँकि दोनों वालदैन असाज़ा हैं, मेरे फादर पीएचडी हैं और रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं, और मेरी वालदा वाले साहब जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में वो एज वाइस चांसलर रहे, और वालदा जो है वो मेरी प्रिंसिपल रही गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद में। तो हमारे फैमिली में ट्रेंड ही तालीम का था, और हमें शुरू से ही ये मिला था कि अगर आप तालीम हासिल करें या कुछ सीखें तो वो आगे कम्युनिकेट करें। तो वो मेरा पैशन था टीचिंग करना, साथ मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन को कैरी ऑन किया। और सर्जरी जो है वो अगर आप समझ लें कि वो एक जुनून है मेरा, मतलब पैशन है वो, और वो मेरी, मैं उसे इबादत समझ के करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें इतनी रहमत और बरकत अल्लाह ताला ने दी और इस उम्र के अंदर दी, उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें सिर्फ जो एक दयानतदारी के साथ आप इस प्रोफेशन को कैरी करें और अपना आप इसके अंदर आपको महसूस हो कि आपने अपना आप इस प्रोफेशन को दिया, तभी आप इसको कैरी कर सकते हैं। वालदैन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही लम्हा-बलम्हा, और इस दौरान मैं फिर अमेरिका की मेरी फेलोशिप हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉन फेलोशिप्स हैं पाकिस्तान की वो और अब्रॉड की वो मेरे पास हैं। और 2014 के अंदर मैं फ्रांस गया, फ्रांस से मैंने जाके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल की, जिसको फिर मैंने और पॉलिश किया ब्राज़ील में जाके, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा रिनाउंड सेंटर है। ओके। तो ये मुख्तसरन बताने का मकसद ये है कि मैं कोशिश ये करता रहा कि जो अपनी सलाहियतें हैं उनमें और निखार पैदा करूँ और उसको बेहतर से बेहतर करूँ। और अगर आज भी मेरे से कोई पूछता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है, तो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ऑफ सर्जरी कहता हूँ, क्योंकि मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नई चीज़ें सीखूँ और उन नई चीज़ों से अपने पेशेंट्स के लिए जितना भी फायदा दे सकता हूँ करूँ। जो बैरियाटिक सर्जरी का हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया ये 2006 के अंदर, जो मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर सईद कुरैशी, उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस किया। ये बुनियादी तौर पर मोटापे की एक सर्जरी के तरीके से इलाज है, जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, और हमने अपने जो क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से हमने इसका आगाज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस पर बहुत बरकत अदा की। तो वो हम आजकल करते हैं। बाकी मैंने जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है मेरी वो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिससे शायद भाई आप जानते हैं कि ये की होल सर्जरी होती है, और उसके जरिए हम ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेशन हैं, जिसमें पित्ते का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन, अपेंडिक्स और इससे रिलेटेड जो सर्जरी लेप्रोस्कोपी होती है वो हम कोशिश करते हैं। और अल्लाह ताला की करम नवाजी से, अल्लाह ताला की रहमत से उसमें अल्लाह ताला शफा अता करे। सर ये तो बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, बड़ी अचीवमेंट से आपकी बड़ी छोटी उम्र में वर्ल्ड प्रोफेसर साथ आना, ये भी बड़ी ऑनर की बात है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये लेप्रोस्कोपी यानी कि आजकल इसमें एडवांस यानी कि जो टेक्नोलॉजीज वगैरह आ चुकी हुई है, इसके ऊपर मज़ीद बताइए। आम यानी कि जो देखने वाला है कि वो समझे कि ये है क्या, ऑपरेशन होते थे जिसमें हम ये कहते थे कि पूरा पेट खोल के ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरा पेट को चीरा दे के निकाल रहे हैं, उसमें छोटे सुराख करके कैमरे की मदद से हम वो ऑपरेशन ऑपरेशन है, तो दो छोटे सुराख करके हम उसको रिट्रीव कर देते हैं। इसी तरह अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, अब उसके एडवांटेजेस क्या है, उसमें ये होता है कि एक तो मरीज कुछ घंटों बाद ही 24 घंटे के अंदर अपने घर चला जाता है, रिकवर हो जाता है, उसके जिस्म पे वो जो
स्कार मार्क्स होते हैं वो नहीं होते, रिकवरी उसकी बहुत अच्छी होती है, बैक टू लाइफ वो अपने, मतलब मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने सर्जरी कराई है और एक दिन बाद या दो दिन बाद वो अपनी रूटीन रिज्यूम कर देते हैं। तो ये इसका एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस अगर कहा जाए तो उसमें ऑब्वियसली ये इक्विपमेंट ओरिएंटेड है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, इसकी एक्सपर्टीज चाहिए, इसकी लर्निंग कर्व है और ये प्रॉपरली सीख के ही कोई कर सकता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और खासतौर पर लाहौर में तो ये ऑलमोस्ट अब मोस्ट ऑफ द जो बेहतर हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ अवेलेबल है और जो नए मतलब डॉक्टर्स हैं और इवन जो हमारी न्यू जनरेशन डॉक्टर की है वो इससे बहुत ज़्यादा लर्न कर रही है और पेशेंट्स इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। जी नाज़रीन देख रहे हैं आप ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिराज साहब मौजूद है। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक सर्जरी है ये बुनियादी तौर पे मोटापे का सर्जरी के जरिए इलाज है, ये जिसका मैंने पहले बताया कि ये मेरे जो उस्ताद उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की थी वे बैक 2007 के अंदर और उसके अच्छा, बाद आप तो इतनी पुरानी है लेकिन मतलब पाकिस्तान में पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका। वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीयत तक पावर्ड बाय मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिराज साहब, किसी तरह के मुताज नहीं, नो डाउट डॉक्टर साहब ने अपनी सारी चीजें बताई। डॉक्टर साहब आजकल एक नई चीज चली स्टॉमिक को स्मार्ट करना, उसके ऊपर लॉक सा लगा देना आम अल्फाज में, और लोगों को पाकिस्तान जैसे एटमोसफियर में और इन्वायरमेंट में रहकर लाहौरियों को स्पेशली जरूरत है उसमें, यानी कि काफी आप जैसे लोग जो है कर भी रहे हैं इसको प्रोवर्क, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि वो क्या है ट्रीटमेंट, वो सेफ भी है कि नहीं। जी ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये बुनियादी तौर पे मोटापे का सर्जरी के जरिए इलाज है, ये जिसका मैंने पहले बताया कि ये मेरे जो उस्ताद उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की थी वे बैक 2007 के अंदर और उसके अच्छा, बाद तो इतनी पुरानी है लेकिन मतलब पाकिस्तान में पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। इसमें बुनियादी तौर पे हमने स्टमक बैंडिंग के साथ स्टार्ट किया। स्टमक बैंडिंग ये है कि जिन लोगों की टेंडेंसी खाने की ज्यादा होती है और जो रेजिस्ट नहीं कर सकते उनके में देखिए हम एक बैंड लगा देते हैं और उससे उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और इवेंचुअली उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। काफी सक्सेसफुल हुई हमने बड़े मतलब हजारों में ना सही पर ये है कुछ 100 या 700-800 केसेस तो इसमें जरूर किए और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत अच्छे रिजल्ट अल्लाह तआला का शुक्र है जी बड़ा अच्छा रहा उसमें। चूंकि बीइंग मैं खुद लाहौर से हूँ हमें खाने पीने के बड़े चस्के होते हैं तो फिर कुछ लोग फूड लवर हैं और अब समहाउ आप ये नोट करें कि हमारी जो रेक्रिएशन है वो भी ज्यादा फूड रिलेटेड है कि अगर हमने पार्क में भी जाना है तो हमने फूड को देखना है, अगर हमने को मूवी पे जाना है तो हमने फूड पे, अगर शॉपिंग पे जाना है तो समहाउ मतलब आवर सेटअप रिवॉल्व्स अराउंड द फूड। जी हां तो फिर कुछ लोगों का ये था कि जी अगर हम खाएंगे ही नहीं तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग अ लाइफ। तो फिर हम एक और उसमें जिद्दत है उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं उसमें हम स्टमक का एक खास पोर्शन रिमूव कर देते हैं तो उस पर यह होता है कि इंसान के खाने की कैपेसिटी के साथ साथ उसकी फूड एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। अब लेटली जो हमने नई टेक्निक शुरू की हुई है वो स्टमक बाईपास है, वो ऑब्वियसली हमारे अलावा भी सर्जन लाहौर में कर रहे हैं और वो बड़ा सक्सेसफुल है। थोड़ी सी एग्रेसिव सर्जरी है ऑब्वियसली पर ये है कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं वेट लॉस के। रेजिस्टेंट किस्म की जो फैट है जो कि लोग कोशिश करते हैं और जाके हमें आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो सारा जिम दवाइयाँ हकीमी नुस्खे ब्रिटिश लेमिंग और फलां चीज इस्तेमाल कर ली और हमारे वेट को नहीं फर्क पड़ा तो फिर हम उन्हें मशवरा देते हैं कि आप ये सर्जरी ऑप्ट कर लें। खूबसूरती सर्जरी की ये है कि ये की होल सर्जरी है और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि लेप्रोस्कोपिकली हो जाती है और इसके अंदर कोई पेट पे वही निशान या उस तरह चीजें नहीं आते और उसमें यह है कि एक नेचुरल वे में आपका वेट लॉस होता है और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो और वो रेजिस्टेंट किस्म की उनमें फैट हो तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि सर्जरी ऑप्ट करें। सर हमारे स्टार्स जो है यानी कि फिल्म स्टार्स की अगर बात करें उनमें बड़ा क्रेज है और मोस्टली स्टार्स इसकी तरह आजकल ट्रेंड भी है जैसे अदनान समी खान की बात करें उन्होंने भी ये सारा प्रोसेस कराया है तो सर ये कितने परसेंट सेफ है डॉक्टर साहब, यानी कि इसमें सुना है और पता भी चला है कि भी इसमें स्टोमिक सम टाइम लीक भी हो जाता है और इसमें वेट दोबारा से भी गेन होता है इस तरह से भी कुछ है? ऐसे शायद इसमें मैं ये गुजारिश करूं कि कोई भी सर्जरी हो मैं ये समझता हूं कि उसकी एक लर्निंग कर्व होती है। ठीक है एंड इट टुक अस ऑलमोस्ट 10 years कि जहां हमने इस पे वर्क किया इस पे सीखा रिपीटेडली जाके
मैंने इवन हॉलैंड से, फ्रांस से, ब्राजील से हमने इसमें ट्रेनिंग हासिल की. फिर उसके बाद हम बाहर से फॉरेन सर्जन्स को इनवाइट करते थे, वो इधर आके कोचिंग करते थे. अब ये है कि हर प्रोसीजर की एक लर्निंग कर्व है. मतलब मैं अब ऑलमोस्ट कुछ 22 सालों से मेडिकल प्रोफेशन से एफिलिएटेड हूँ और सर्जरीज कर रहा हूँ, पर इसमें मैं आज भी कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ सर्जरी हूँ. जो नेल सर्जन है उनसे बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करें, पर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें और उस ट्रेनिंग के बाद आप ये प्रोसीजर शुरू करें. कॉम्प्लिकेशन पार्ट ऑफ सर्जरीज हैं, हर सर्जन की कॉम्प्लिकेशन होती है, पर आप जितना ज़्यादा उसमें अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं वो पहले वो करें और फिर उसके बाद ये सर्जरीज ऑप्ट करें. अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये मार्केट में सर्जरी आई, इंट्रोड्यूस हुई, तो सर्जन्स ने ये स्टार्ट कर ली और उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई जो हाईलाइट भी हुई, उसमें लीकेज भी हुई, उसमें क्योंकि देखिए जो बेरियाटिक सर्जरी है जनरली वो लोग कराते हैं, ये सब इस्तात लोग करवाते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव सर्जरी है. अब ऑब्वियसली वो इतने इस्तात वाले होते हैं कि वो इन्हें मीडिया कवरेज भी दिलवा सकते हैं. तो इसको बड़ी एहतियात से करने वाली सर्जरी है. और दूसरा उसमें ये है कि आपकी पेशेंट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस्म के पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं. हर पेशेंट की बेरियाटिक सर्जरी नहीं हो सकती. डायबिटिक डायबिटीज और हाइपरटेंशन का तो खैर इसमें इलाज हो जाता है. डायबिटीज वालों को तो हम रिकमेंड करते हैं, उनका वेट कम होगा तो ऑब्वियसली उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगी. पर और कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस तरह खवातीन में कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उनका वेट जो होता है वो हार्मोन्स रिलेटेड बड़ा होता है. और मैं अगर जाके या कोई भी सर्जन उनकी बेरियाटिक सर्जरी कर देगा तो उनका वेट लॉस नहीं होगा और फिर वो आके कंप्लेन करेंगे कि डॉक्टर साहब हमने तो इतना इन्वेस्ट भी किया और हमारा वेट लॉस है. तो इस पर वर्कअप करना, प्रॉपर पेशेंट सिलेक्ट करना, और मैं समझता हूँ कि इसमें एथिकल प्रैक्टिस करना कि बीइंग अ सर्जन आपको मालूम हो कि आप किस सर्जन की, आप किस पेशेंट की सर्जरी कर रहे हो, क्या उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी फायदा है या नहीं है. मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आज एक पेशेंट मेरे वॉक इन किया क्लिनिक में और मैं फौरन से पहले उसकी सर्जरी कर दूं, ये मुनासिब नहीं. मुनासिब तो ये सारे मिला के ऑलमोस्ट कोई 7-8 लाख रुपए तक जी. आप देख रहे हैं नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगु हो रही है डॉक्टर राशिद सिराज साहब से. इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है तो मेरी हतुल इम्कान कोशिश करती होती है कि मैं उन पेशेंट्स को भी उसी मेरिट पे ट्रीट करूं. और हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये फैसिलिटेशन है कि अगर किसी पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं डिजर्व नहीं कर सकते. वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक पावर्ड बाय मॉडर्न स्क्रीन ग्रुप ऑफ कंपनीज. मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिराज साहब और मैं फारूक हॉस्पिटल में उनके साथ हूँ इस वक्त. ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा आगे क्या प्लान है. शायद भी आगे मेरा ये प्लान है हॉस्पिटल वगैरह नहीं, मेरा है सच. मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था कि मैं इस प्रोफेशन वैसे ही खिदमत करना चाह रही हूँ. अब मतलब खिदमत तो चले जितनी हो सकती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि कर लूँ, क्योंकि जो हमारे ये हॉस्पिटल्स हैं इसके साथ एक मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड है तो हमारे पास चैरिटी के पेशेंट्स होते हैं. मतलब हम यहाँ इधर चैरिटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है तो मेरी हतुल इम्कान कोशिश करती होती है कि मैं उन पेशेंट्स को भी उसी मेरिट पे ट्रीट करूं. और हमें हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये फैसिलिटेशन है कि अगर किसी पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी डिजर्व नहीं कर सकते जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो बेशक आप कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह तआला ने ये मौका दिया हुआ है कि हम उसमें ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं पर किसी की जिस हद तक हेल्प हो सके वो जरूर करते हैं. मैं मतलब बेसिकली ये चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए कोई रोल प्ले करूँ और मतलब कि इस मुल्क से मुझे बहुत प्यार है. और मेरा इंग्लैंड से और आयरलैंड से वापस आने के दो ही मकसद थे. एक तो मैं अपने वालदैन के साथ टाइम गुजारना चाहता था, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सलामत रखी तो मैं उनकी जितनी भी खिदमत कर सकूँ. दूसरा
मैं इस मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी शनाख्त इस मुल्क से है। मतलब मैं अगर एक छोटा सा किधर डॉक्टर हूँ या प्रोफेसर या जो भी हूँ, वो इस मुल्क की पहचान की वजह से, और इस मुल्क ने ही मुझे ये इज्जत दी है, और ये मुझे रियलाइज होता है इवन जब मैं अब्रॉड जा रहा होता हूँ कि ये कितनी बड़ी नेमत है जो हमें ये नसीब हुई हुई है। तो अब मेरा आने वाले जिंदगी में ये प्लान है कि हरगिज मुझे कोई हॉस्पिटल बनाने का या क्लिनिक बनाने का नहीं, मैं बहुत कंटेंट किस्म का इंसान हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस रेंज में मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा नवाजा है, और उस पर मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकूँ वो कम है कि मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि जितना अल्लाह ने मुझे हर लिहाज से नवाजा, हर लिहाज से। तो अब मेरी ख्वाहिश है और ये कोशिश है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं अपने सीएसआर के हवाले से। बिल्कुल, अब उसमें मैं जो कर सकता हूं, मेरा ये प्लान है कि मैं कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं एक स्टेज के बाद कि जहां मैं सिर्फ चैरिटी के पेशेंट्स किया करूं। और दूसरा ये है कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ अब, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना भी अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकूँ, और उस सिलसिले में मेरे पास अब दूसरे हॉस्पिटल्स के भी बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, जो कि सिर्फ मुझे जानते हुए आ जाते हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं उन्हें कुछ ना कुछ सिखाऊं। और ये सदका जारिया के तौर पे मैं जितना मुझे आता है, जितना इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया है, मैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि कोई एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिव रोल मैं प्ले कर सकूँ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड द कमिंग जनरेशन एंड फॉर दिस कंट्री। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये देखा जाए तो सदका जारी है कि आप अपना इल्म अगर आगे देते हैं तो ये सदका जारी है, जहाँ तक जाएगा। और दूसरी बात डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस मुल्क पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है, नाम दिया, इज्जत दिया, अब हमारा है कि हम इसके लिए कुछ करें। डॉक्टर साहब नो डाउट, जैसे मेरा मेरे अदारे का इस प्रोग्राम का मकसद है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना, लोगों को दिखाना कि पाकिस्तान को जो आप समझते हैं वो वैसा नहीं है, प्रोफेसर साहब जैसे लोग भी इसमें हैं। तो डॉक्टर साहब आपको क्या ख्याल है कि जो ये हम काम कर रहे हैं सॉफ्ट इमेज के लिए, वो कहाँ तक आप इससे इत्तेफाक करते हैं, कैसा लगा आपको? शायद मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मेरा मुझे बहुत तकलीफ होती है टाइम्स कि जब मैं अपनी यंग जनरेशन को देखता हूँ कि जो कि जिन्होंने मतलब अपने कैरियर को परसू करने के बजाय ये टिकटॉक शोज ये शॉर्टकट्स अडॉप्ट कर लिए, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मीडिया पर्सनल्स हैं वो भी उन्हीं को पैट्रनाइज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पैट्रनाइज होना चाहिए था असाज़ा को, यहाँ पैट्रनाइज होना चाहिए था इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, यहाँ पैट्रनाइज होना चाहिए था रीडिंग को, किताबों को। अब हमारे लिए क्या है कि हमारे अगर आप सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे क्या है, सोशल मीडिया पे कौन सी तालीम की बात हो रही है, सोशल मीडिया पे कौन सी कोई दीन की बात हो रही है, सोशल मीडिया पे एक लड़की उठ के गाना गा देती है, उसको एक एंकर अपने टीवी में शो में बुला लेती है, उसको पसीजाई मिल गई है। कल मैं देख रहा था कि टीवी पे एक एंकर जो है वो इंटरव्यू कर रहा था, वो आजकल वो अख्तर लावा के पावा के, मतलब आप अंदाजा करें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेज वी आर कैरिंग टू द वर्ल्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेज वी आर गिविंग टू अवर नेक्स्ट जनरेशन, एंड वेयर डू अवर नेक्स्ट जनरेशन इज स्टैंडिंग। हम क्या पोज कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, हम क्या तालीम दे रहे हैं, हम क्या तरबियत दे रहे हैं। पता हमारी तरबियत तो कायदे आज़म के असूलों पे होनी चाहिए, हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी सीरत के ऊपर होनी चाहिए। आप मुझे आज बताएं कि कितने लोग हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब पहला मैंने आप ही का शो देखा है कि जिसमें ये कोई तासुर दिया जा रहा है, मैंने आपके शो बड़ी रेगुलरली देखे कि जिसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने इस मुल्क का एक बेहतर इमेज प्रोवाइड किया टू द, और जो कि रोल मॉडल बन सकते हैं। हमारे रोल मॉडल क्या है, अख्तर लावा, हमारा रोल मॉडल क्या है, दिल्ली पुकारे। अच्छा मतलब आप खुद ये सोचें कि अब ये आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होंगे, वो किन लोगों को आइडियलाइज कर रहे होंगे। ऑब्वियसली वो हमने आप, मैं आपको हल्फन ये कहने को तैयार हूँ कि आप आज की जनरेशन से पूछें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे, सर सैयद अहमद खान साहब का क्या रोल था, क्या मौलाना, ये इन लोगों की पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन देखें, इन लोगों के दीन के लिए कंट्रीब्यूशन देखें। आधी से ज्यादा जनरेशन के लोगों के बारे में नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने बताया अनफॉर्चुनेटली उसमें ये सोशल मीडिया और मीडिया पर्सनल्स का कसूर है,
और ये आने वाला टाइम इस चीज को माफ नहीं करेगा कि हमने आने वाली नस्ल को क्या देके जा रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर बैठ के गानों के बारे में बातें करूंगा या मैं इस किस्म की बातें करूंगा तो वो तो मुझे आइडियलाइज कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे जी हमारा उस्ताद ये बातें कर, टीचिंग के दौरान हम सियासत को डिस्कस कर रहे होते हैं, टीचिंग के दौरान हम दीन को डिस्कस कर रहे होते हैं, तालीम के दौरान हमारा फोकस जो होता है वो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज पे होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कदम आपने उठाया है कि एटलीस्ट उन लोगों को कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया या जिन्हों का इस मुल्क में लेना देना जिसका जिनका इस मुल्क के साथ है, आपने उन लोगों को हाईलाइट करते हैं, उनसे उनका प्रोग्राम करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है और ये मेरी कोशिश भी होगी और जितना मैं ये कर सकता हूँ एटलीस्ट जब मैं अपने लेक्चर्स देने जाता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको भी ये बताता हूँ, मैं दो बातें जरूर उनसे करता हूँ। जनरली मेरे से मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सर आप बाहर क्यों नहीं गए, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखो मैं इधर से ही पैदा हुआ पाकिस्तान में, मैंने जो कुछ हासिल किया पाकिस्तान से किया, तो एक तो वो टाइम आ गया कि जब मैं इस मुल्क को रीपे करूं जो कि कोई भी नहीं कर सकता, पर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जो मैं अपने मुल्क के लिए, और दूसरे मैं अपने जो स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि जब भी बाहर जाने का या मुल्क से बाहर जाने का या बाहर सेटल होने का सोच रहा तो एक दफा अपने माँ बाप का जरूर सोच लेना जो बहुत मेहनत करके अपनी औलाद को एक मकाम तक पहुँचाते हैं, और जब माँ बाप को हमारी जरूरत होती है तो हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए उनको छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं होंगे जो अपने बच्चों को इसलिए रोके कि उनका फ्यूचर ना बने, कोई ऐसे पेरेंट्स कोई सब की ख्वाहिश होती है, सब ख्वाहिश पर अंदर से उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि हमारे औलाद हमारे पास। आज अगर मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझता हूँ वो इसलिए नहीं समझता कि मैं एक प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, आज मैं अपने आप को सक्सेसफुल इसलिए समझता हूँ कि मैं अपने मुल्क में हूँ और अपने वालदैन की खिदमत करूँ और यही मेरी सक्सेस है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात है और मुझे यकीन माने कि मेरी नज़र में आपकी इज्जत और बढ़ गई है आपके ख्याल सुन के, और नॉट डॉक्टर साहब मेरे अदारे का उस प्रोग्राम का जिसका नाम है ख्वाबों से तबीर तक और आज 106 एपिसोड है, और मैं थोड़ा सा इसके बताऊं अगर आपको डिटेल में कि मैं तकरीबन 26 कंट्रीज जब घूमा और मैं मोस्टली थिंक टैंक्स का पार्ट भी एक दो, और मैं कॉन्सलेट्स के साथ दुनिया में एफिलिएट करके मार्केटिंग करता हूँ काम करता हूँ पाकिस्तान के जितने कॉन्सलेट्स हैं, तो मैं जब बाहर की दुनिया में हम जाते थे तो हम देखते थे कि पाकिस्तान के मुतालिक लोग समझते नहीं थे पाकिस्तान है क्या, ठीक है, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं गया था, हमारे कमर्शियल कॉन्सलेट्स का भी उसमें कुछ रोल नहीं था, ठीक है, हमारे जो एम्बेसिडर्स है उनका भी कोई रोल नहीं था, जबकि मैं दूसरी लॉबिंग में बैठता जब इंडिया की लॉबिंग जहाँ पर होती थी और उनके थिंक टैंक्स थे तो वो प्रमोट करते थे अपना कल्चर अपनी बात। अफसोस की बात है जिस तरह से आपने बताया कि हमारी कौम को हमारी नेशन को लगा दिया टिकटॉक के ऊपर सोशल मीडिया पर, शायद उसको कमर्शलाइज कर दिया गया इन चीजों को कि आप डॉलर कमाएंगे तो फिर ही आपका सब कुछ होगा, और वो जो एजुकेशन थी और जो अखलाकियात थी हमारे वो पीछे चली गई थोड़ी, बिल्कुल 200% उसको जबकि आगे लाना चाहिए। और आपका इस मामले में मैं समझता हूँ आप जैसे आप एक मुकाम रखते हैं, टीचर भी हैं, ठीक है, और बाकी आप वाली बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आप रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए भी अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, उन्होंने आपको देख रहे हैं, और अगर आप जब हर वक्त वो थोड़ा सा एक्टिविटीज इस तरह की सोशल होगी तो डेफिनेटली वो एक माशरे में असर जाता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज का मुझे यकीन मानिए कि मुझे बहुत ही जबरदस्त एपिसोड हमेशा की तरह हमारी होने वाली है, और मैं दुआ करूं अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां नसीब करे ऐसे पाकिस्तानी, और आप पाकिस्तान का फ्लैग आपके हाथ में है और जो आपके शोल्डर पे भी लगा है मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब हम मैं भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो आप यकीन करें कि हम एक जिम्मेदार पाकिस्तानी के तौर पर जाते हैं, और ये हमारी प्राइड होती है कि हम एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ हमारा जीना सर, हमें ऐसे एम्बेसडर होते हैं, हमारा हर चीज यानी कि बड़ा काउंट कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे। नासरीन आप देख रहे थे ख्वाबों से तबीर तक के ये एपिसोड, मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिराज साहब मौजूद थे, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए शाहिद मियां को अगले प्रोग्राम तक के लिए एक नए स्टार के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल
अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।